मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो गुड मॉर्निंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी में। वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? तो काफ़ी सारी गुड न्यूज़ यहाँ पे मिल रही है, बहुत सारे टेक्स्ट आए हैं दोस्तों, मेल भी आ रहे हैं और चैट पे ऑब्वियसली अभी काफ़ी दोस्त मैं देख रहा था बात कर ही रहे हैं। तो RRB काफ़ी सारे RRB से अभी काफ़ी सारे जोन्स का अभी रिजल्ट आउट हो चुका है, ठीक है। कुछ का अभी बचा हुआ होगा, जैसे बेंगलोर का हो गया, भुवनेश्वर से, अजमेर से, तो चेन्नई का, कोलकाता का, चंडीगढ़ का भी आ चुका है। तो काफ़ी सारी RRB से जो आपका यह रिज़ल्ट है आ चुका है। होप सो आप सभी ने चेक कर लिया होगा और जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई और जिनका नहीं हुआ उनको बहुत सारा प्यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्ज़ाम था, ठीक है, एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो एक सीढ़ी ऊपर चढ़े हैं, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जिनका नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेलियर है या वो फेल हो गए हैं। उन्हें सिर्फ ये चीज़ डिसाइड करनी है, ये ढूंढना है कि कमी कहाँ रह गई, कितना गैप रह गया है कि उनका सिलेक्शन हो जाता। तो उतनी तैयारी आप, उतने एफर्ट्स SSC के लिए और पुटअप कर दीजिए तो डेफिनेटली वहाँ बात बन जाएगी। अब ठीक है, कनक दुर्गा जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक यू सो मच। आप जो भी आपके रिजल्ट्स हैं आप चाहे तो आप ईमेल कर सकते हैं, आप अपने रिजल्ट्स support@wifistudy.com, अपना रोल नंबर, नाम और जो भी आपकी पर्सनल अभी इस टाइम जो फीलिंग है, वो जो आप जो भी आप फील कर रहे हैं वाईफाई स्टडी का या फिर किसी पर्टिकुलर एजुकेटर का, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा वो आप बता सकते हैं। इससे पता है क्या होता है, और कुछ नहीं होता है इससे, एक चीज़ ये है कि आपकी जो खुशी है आपसे ज़्यादा हम लोगों को खुशी होती है यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये होता है कि हाँ हम किसी कोचिंग में बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, वहाँ पे इंटरेक्शन है कि हाँ भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस और ये सब। वर्चुअल वर्ल्ड में हैं हम सब यहाँ पे, कि हम यहाँ से क्लास ले रहे हैं, आप घर पे पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो ये तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे हमारे पास चैट है, तो चैट के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हाँ कौन कौन बच्चे हैं जो एक्टिव है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कभी कमेंट नहीं करते हैं, वो सिर्फ पढ़ते हैं, वो कभी कमेंट नहीं करते या वो उन्हें चैट करना अच्छा नहीं लगता या कुछ भी ऐसा। तो वो सब जो इंटरेक्शन होता है वो कम से कम जब आप एक फाइनल इंटरेक्शन तो कर ही सकते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आप बता सकते हैं हमें support@wifistudy या फिर आप SSRJYANI@gmail इस पर आप मेल करके आप बता सकते हैं, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हुआ, रोल नंबर वगैरह, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जो भी आपका इस टाइम। अंकित जी, पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब आपकी मेहनत है, आप अपनी मेहनत से क्लियर हुए हो, ठीक है, हम तो एक जरिया हैं ये कह सकते हो। अजमेर से विजय जी सिलेक्टेड हैं, श्रीपाल जी कह रहे हैं सिलेक्टेड, विजय सोनी जी सिलेक्टेड, बहुत अच्छी बात है, शुभ लक्ष्मी जी थैंक यू सो मच।
ठीक है, ओके अरविंद जी, बहुत सारे बच्चों के आज मैसेज आए हैं, बहुत सारे बच्चों का क्लियर हुआ है। तो एक चीज़ मैं छोटी सी आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको प्रिपेयर्ड रहना है। पहली बात, अभी जो रिजल्ट आया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया है और उसके अंदर 1.5 टाइम्स या फिर 50% जो है एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है, तो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बुलाया है। तो जो ऊपर के 50% है ना, वो भी अभी थोड़ी प्रोबेबिलिटी है। तो थोड़ा सा आप ऐसे भी नहीं है कि अपना एकदम पूरा हाई हो गए हैं, थोड़ा सा नॉर्मल रहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको होगी। और अंकित जी, नरतम जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। जो भी आप अपनी भावनाएं हैं वो आप मेल करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स में तो सिर्फ कुछ लोगों को दिखेंगी, हमें जो पूरी टीम काम करती है यहाँ पे उनको तभी पता लगेगा जब आप प्रॉपर वे से, प्रॉपर चैनल से आप बताएंगे। एक नंबर भी है, उस नंबर पे आप बता सकते हैं, वाईफाई स्टडी का नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो भी आप रिजल्ट आप शेयर करना चाहते हैं, जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई और सब पॉजिटिव रहेंगे एकदम। आगे शुरू करते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं। कोई दोस्त कह रहा है फ्री में पढ़ाओ तब माने, फिर किसी दूसरे दोस्त ने रिप्लाई किया है हाँ ये फ्री है, अब क्या इंटरनेट पैक थोड़ी करवा के देंगे आपको। सही बात है, सब कुछ फ्री में पढ़ा तो रहे हैं, देखो सब प्लेटफॉर्म है, अपने अपने बेनिफिट है। अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, वहाँ हम 3-4 घंटे तक का हमारे पास टाइम हो जाता है, हम पढ़ लेते हैं वहाँ पे। यूट्यूब पे अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लिमिटेड होता है, स्टूडियोज़ जो हैं लिमिटेड है, यहाँ पे एक यूट्यूब क्लास के लिए कम से कम 2-3 लोगों की ज़रूरत होती है, तब जाके वो क्लास कंडक्ट होती है। तो ये वाली चीज़ें हैं, प्लस के ऊपर सिर्फ एक खुद बैठो, लैपटॉप लो, पढ़ाओ। चलो बात करते हैं आगे दोस्तों, और जिनका नहीं हुआ है वो प्लीज़ अपने मार्क्स ज़रूर देख लेना। आप अपने मार्क्स देखना, मार्क्स देखने से आपको ये पता लगेगा कि कितना गैप रहा है, ठीक है, कितनी और मेहनत आपको और करनी है, कितना एफर्ट आपको और डालना है, जिससे कि आपका नेक्स्ट टाइम जो भी आप एग्ज़ाम दें उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। और डिप्लोमा थर्ड सेम में है लेकिन SSC JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपका मतलब जील है, आपका एंथुजियाज़म है कि आपको प्रिपरेशन करना है, बहुत अच्छी बात है। आप साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए, जैसे ही आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए आप एग्ज़ाम्स देंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में देखो, नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स किसके बढ़े हैं ये तो मैं एग्जैक्टली अभी नहीं बता सकता कि कहाँ किसके कैसे बढ़े, लेकिन आप जो नोटिफिकेशन था RRBJEE CEN जो था उसको आप रेफ़र करना, उसके अंदर फार्मूला दे रखा है नॉर्मलाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़े होंगे घटे होंगे। एक जनरल सा प्रेडिक्शन ये रहता है कि जितना एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा रहेगी, जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होती है इसका भी फ़र्क पड़ता है, उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन के अंदर बढ़ते हैं। तो एक्यूरेसी अच्छी रखने की कोशिश करें आप जब भी आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करें, ठीक है। मार्क्स दिख नहीं रहे हैं, मार्क्स जो भी आपको वहाँ पे यही शो हो रहा होगा आपको कि स्कोर कार्ड जो है वो विल बी डिस्प्लेड सून या स्कोर कार्ड जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं, आजकल में 1-2 दिन में स्कोर कार्ड भी आपको दिखने लगेगा। और दूसरी बात, अगर आपको मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको 600 या 650 मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको कन्वर्ट करना है उसको, किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 150 से मल्टीप्लाई करना है आपको और 1000 से डिवाइड करना है, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। 150 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से डिवाइड करो, इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। RCC के LSM मेथड्स कम बताएंगे, RCC का अभी जब अपन करेंगे तब बता देंगे, आज BMC की अपनी लास्ट क्लास है, उसके बाद नेक्स्ट नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, कौन सा करना है वो आप बाद में कमेंट करके बता देना इस क्लास के बाद। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे अपन आज के टॉपिक के बारे में, बिटुमेन के बारे में बात करते हैं। तो बिटुमेन बेसिकली जो आपका होता है, दो टाइप से हम बोल सकते हैं बिटुमेन जो होता है, टर्म्स एक जैसी सी लगती हैं, बिटुमेन एस्फाल्ट और टार की अगर हम बात करें, सॉलिड स्टेट में होता है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, एस्फाल्ट बोल देते हैं, अगर मिनरल होता है लिक्विड फॉर्म से में थोड़ा सा आ जाता है तो इसको टार बोल देते हैं हम। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले बिटुमेन की, तो बिटुमेन जो होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, एक क्या होता है, एक
पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। कुंवर भांजी आपको भी बहुत बहुत बधाई, सौरभ जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। चलिए, बिटुमेन आपका ये होता है। एस्फाल्ट के अंदर क्या होता है, बिटुमेन भी होता है, सैंड भी होता है, एग्रीगेट भी मिक्स्ड होता है। तो एस्फाल्ट जो होता है इसके अंदर बिटुमेन, सैंड और एग्रीगेट ये भी मिक्स्ड होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका कोल टार। तो कोल टार जो होता है ये डिस्टिलेशन करते हैं कोल का, उसकी हेल्प से हमें मिलता है, ठीक है। क्रूड पेट्रोलियम जो होता है, कोल टार बाय प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोक, ये होगा। बिटुमेन जो मिलता है वो क्रूड पेट्रोलियम से हमें मिलता है। तो बिटुमेन क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कोल टार कोल जैसे आ गया तो कोल के डिस्ट्रक्टिव जो डिस्टिलेशन होता है उससे मिलता है। अगर वुड बोलें, अगर वुड से जो हमें मिलता है तो वो वुड के डिस्टिलेशन जो होता है उसकी हेल्प से हमें मिलता है। कहाँ यूज़ करते हैं इनका, आपको पता है पेवमेंट्स के अंदर बेसिकली यूज़ होता है, हीटेड फॉर्म में हम इनका यूज़ करते हैं। बिटुमेन कैन बी मेजरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, पेविंग ग्रेड हो सकता है या इंडस्ट्रियल ग्रेड जो बिटुमेन है वो हो सकता है। और डिटेल में तो हम कहाँ पे बात करते हैं, जो हाईवे इंजीनियरिंग मटेरियल्स है हाईवे के अंदर बिटुमेन और इसके टेस्ट जो हैं जितने भी वहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका बिटुमेन के कुछ छोटे छोटे टाइप्स और आ जाते हैं अलग तरीके से अगर इनको क्लासिफाई करें तो। ब्लोन बिटुमेन आता है, पहली बात तो ब्लोन करना मतलब एयर ब्लो करना, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ब्लोन बिटुमेन के अंदर क्या होता है, एयर जो होती है हमारी प्रेशर के अंदर हाई टेम्परेचर पर हम ब्लो करते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई पासिंग एयर अंडर प्रेशर एट हाई टेम्परेचर, बिटुमेन के थ्रू हम एयर यहाँ पर पास करते हैं। इसको यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हम रूफिंग के अंदर, डैम प्रूफिंग के अंदर, इन सब के अंदर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कटबैक बिटुमेन, ये अक्सर आपने सुना होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया हुआ है एसएससी में प्रीवियस ईयर में। इस पर कैसे होता है, फ्लक्सिंग करवा देते हैं एस्फाल्टिक बिटुमेन की, किसकी प्रेजेंस में, कोई लिक्विड डिस्टिलेट्स होते हैं या कोल टार के होते हैं उसके अंदर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। यूज़ कहाँ होता है, ये भी रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर और सॉइल स्टेबिलाइजेशन में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टिक बिटुमेन। प्लास्टिक बिटुमेन क्या होता है, प्लास्टिक बिटुमेन कंसिस्ट ऑफ बिटुमेन थिनर एंड सूटेबल इनर्ट फिलर, फिलर भी यहाँ पे इसके साथ मौजूद होता है। अमाउंट ऑफ इनर्ट फिलर होता है लगभग 40-45%, और कहाँ यूज़ करते हैं, क्रैक्स को फिल करने के लिए मैसनरी स्ट्रक्चर में इसका इसको यूज़ होता है। स्ट्रेट रन बिटुमेन जो होता है, इट इज़ बिटुमेन बींग डिस्टिल्ड टू अ डेफिनेट विस्कोसिटी और पेनिट्रेशन विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट। तो ये बस कुछ कुछ टाइप हैं, एक बार आप इनको रीड आउट कर लेना, जस्ट बेसिक ये है। करवाने का पर्पज़ क्या है यहाँ पे, यहाँ पे बताने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि अगर मेंस में एसएससी जेई मेंस के अंदर अगर सवाल आ जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिटुमेन, तो ये सारी बातें लिखनी है, बस ये मेन पर्पज़ है यहाँ पे इसको करवाने का। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बिटुमेन की प्रॉपर्टीज़ जैसे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होगी टेम्परेचर पे वेरी करती है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, विस्कोसिटी कम होगी, टेम्परेचर अगर कम होगा तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो विस्कोसिटी हमेशा टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट आ जाता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी टेस्ट भी हम करते हैं वहाँ पे, जहाँ हाईवे मटेरियल के अंदर बात करते हैं बिटुमेन की, तो डक्टिलिटी टेस्ट होता है वहाँ पे। यहाँ अगर आपको बिल्डिंग मटेरियल के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिंपल आप देख लो, ये भी डक्टिलिटी भी जो आपकी टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करेगी, विस्कोसिटी पे डिपेंड कर जाती है। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट हम करते हैं, फायर एंड फ्लैश पॉइंट टेस्ट करते हैं, तो ये भी एक प्रॉपर्टी यहाँ से आप याद रख सकते हैं इसकी। रेजिलेंस आ जाती है अगली प्रॉपर्टी। रेजिलेंस क्या हो जाता है कि कोई भी अगर इम्पैक्ट आए, सडन लोड आए, तो उसको वो किस तरीके से रेजिस्ट करेगा, शॉक्स अगर उसके ऊपर लग रहे हैं तो उसको वो किस प्रकार से रेजिस्ट करेगा, ये आ जाता है इसके अंदर। अब देखेंगे अगला इम्पॉर्टेंट सवाल, ठीक है। अगला इम्पॉर्टेंट सवाल जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे पूछना चाहते हैं या पूछते हैं, वो ये है पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ आज मैं पूरी पीडीएफ कंपाइल कर लूँगा, सारे टॉपिक्स जो हैं सब कंपाइल करके मैं आपको कंपाइल एक पीडीएफ दे दूँगा, ठीक है। उस पीडीएफ में आपको बिल्डिंग मटेरियल का सारा कंटेंट उसी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। वो पीडीएफ का साइज़ अगर 15 MB से ज़्यादा हुआ तो फिर वो गूगल ड्राइव पे मिलेगी आपको, गूगल ड्राइव का लिंक आपको कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, नहीं तो अगर साइज़ कम हुआ तो आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी वो। सो पीडीएफ के लिए आप परेशान मत होना, हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो टार आ जाता है। टार के अंदर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है हमें,
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसका हो सकता है? ऑर्गेनिक मैटर का हो सकता है, कोल का हो सकता है, लिग्नाइट का हो सकता है, वुड का हो सकता है। तो ये सारे जो होते हैं हमारे टार, इनसे हमें मिल सकता है। 5 ग्रेड का होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। इससे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहले एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि जो RT5 टाइप का टार है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो वो ग्राउटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, या फिर ऐसे दिया हुआ था फॉर ग्राउटिंग पर्पस विच जो ग्रेड ऑफ टार इज़ यूज्ड, तो RT5 उसका करेक्ट आंसर है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो पूछा जा चुका है, तो एक बार इनको आप व्यू कर लेना। RT1 किसके लिए यूज़ करते हैं? सरफेस पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। RT2 जो यूज़ करते हैं फॉर स्टैंडर्ड सरफेस पेंटिंग अंडर नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन, ये तो एक्सेप्शनली कोल्ड वेदर कंडीशंस में और ये नॉर्मल कंडीशंस में। RT3 कहाँ पे? फॉर सरफेस पेंटिंग एंड रिन्यूएबल कोट्स, जो रिन्यूएबल बाद में दोबारा जो कोट लगाते हैं रिन्यू करने के लिए उसके लिए यूज़ करते हैं। RT4 कहाँ पे? फॉर प्री मिक्सिंग टार मैकेडम और ग्राउटिंग पर्पज़ के लिए आपका RT5 हो जाएगा। फिर किस किस टाइप का हो सकता है? कोल टार हो सकता है, वुड हो सकता है। कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से अगर बनाया तो कोल टार, वुड से बनाया वुड टार। मिनरल टार हो सकता है, सिमिलर वे में मिनरल टार के कुछ एग्जांपल होते हैं जैसे कि टरमैक, टार पेविंग एंड टार मैकेडम। तो ये बस बेसिक है, आपको टार के बारे में अगर कुछ लिखना हो तो ये कुछ लाइनें आप लिख सकते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है? उसको हम बर्न करते हैं, टेम्परेचर देखो एग्जैक्टली बर्न नहीं करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। वाईफाई स्टडी का ऑफिस कहाँ है? वाईफाई स्टडी का ऑफिस जयपुर और दिल्ली के अंदर है दोस्त, आप गूगल कर लेना, आपको एग्जैक्ट एड्रेस मिल जाएगा। नेक्स्ट एस्फाल्ट पे आते हैं। एस्फाल्ट क्या है? एस्फाल्ट आपको बताया बिटुमेन के अंदर कुछ और मिक्स हो जाएगा, एस्फाल्ट बन जाएगा, जैसे कि सैंड मिक्स हो जाता है, कंक्रीट सैंड मिक्स हो जाएगा, एग्रीगेट्स मिक्स हो जाएंगे तो एस्फाल्ट में बन जाएगा। ये ब्लैक कलर का होता है या ब्राउनिश ब्लैक इन कलर होता है। टेम्परेचर जो होता है 50 to 100 degrees इन इट्स लिक्विड स्टेट, वेयर एज एट टेम्परेचर लेस देन दिस, जो अगर 50 to 100 के बीच में है तो लिक्विड स्टेट में रहता है, उससे कम होता है तो सॉलिड स्टेट के अंदर रहता है। थर्मोप्लास्टिक मटीरियल होता है, यानी कि थर्मोप्लास्टिक कौन सा होता है? इट सॉफ्टन्स एज इट इज़ हीटेड एंड हार्डन्स एज इट इज़ कूल्ड, अगर हीट करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, अगर कूल करेंगे तो हार्ड हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक होता है। इसके बारे में भी अभी थोड़ी सी देर में बात करने वाले हैं, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। तो ये बेसिक छोटे छोटे आपके बिल्डिंग मटेरियल कह सकते हैं आप यहाँ पे, इन मटेरियल्स को बताने का सिर्फ इतना ही पर्पज़ है कि इनके बारे में अगर एक शॉर्ट नोट आ जाए छोटा सा तो वो आप लिख पाएं, बस यहाँ पे इतना सा पर्पज़ है इनको बताने का। सिमिलर वे में आगे आ जाते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन पे। गैल्वेनाइज्ड आपको पता है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक की एक कोटिंग लगा देते हैं किसी भी एक मेटल के ऊपर तो उसका गैल्वेनाइजेशन हम बोल देते हैं। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन हो गया, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या हो जाता है? अगर आयरन के ऊपर हम अगर कोटिंग कर दें जिंक की, जैसा कि आपको इन शीट्स में दिखाई देता है, तो वो क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा उसका। हॉट डिपिंग गैल्वेनाइजेशन कॉमन मेथड होता है, द मोस्ट कॉमन मेथड इज हॉट डिपिंग गैल्वेनाइजेशन इन विच द पार्ट्स आर सबमर्ज्ड इन अ बाथ ऑफ मोल्टन जिंक। जिंक जो होता है वो मोल्टन अवस्था के अंदर होता है और उसके अंदर उसको डिप कर देते हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है इनका? एग्रीकल्चरल ग्रेन सिलोज, जो आपने देखा होगा, जो आप कहते हैं ना जो अनाज की टंकियां होती हैं बड़ी बड़ी, जो आप बनाते हैं सर्कुलर शेप की होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप की वो बनाते हैं, ये टैंक तो आपने देखे ही होंगे, इनके अंदर इनका यूज़ हो जाता है। एडवांटेज क्या होता है, क्या क्या एडवांटेज होगा इसका? लो कॉस्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि देखो आयरन तो सस्ता होता है लेकिन आयरन जो है वो ड्यूरेबल नहीं होता है, क्योंकि वो रस्ट उस पर जल्दी लग जाता है, उसका कोरोजन जल्दी हो जाता है। तो अगर गैल्वेनाइजेशन कर देंगे उसका तो अंदर का जो बेस है वो तो आयरन ही रहा तो सस्ता हो गया, लेकिन आउटर कोटिंग हो गई जिंक की जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड भी हो गया है यहाँ पे। तो ये गैल्वेनाइज्ड आयरन हो गया। क्या क्या यूज़ होते हैं ये भी आपको यहाँ पे क्लियरली इमेज से ही दिखाई दे रहे हैं, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। अगला अगर बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं, एल्यूमिनियम आ जाता है। एल्यूमिनियम आप सभी को पता है, एल्यूमिनियम जो है बहुत ज़्यादा लाइट इन वेट होता है और बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी होने के कारण और लाइट वेट होने के कारण क्या हो जाता है, ये जितनी भी एरोस्पेस इंडस्ट्री है आपकी, जो एरोप्लेन्स बनते हैं तो उनके अंदर जो एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात करें तो आपको इसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी होती है ऑलमोस्ट 1/3 होती है स्टील की, 2700 kg per meter cube के बराबर होती है।
सबसे ज्यादा अर्थ के ऊपर जो थर्ड मोस्ट जो जो प्लेंटी अमाउंट में जो प्रेजेंट है, तीसरे नंबर पे जो प्रेजेंट है अर्थ की क्रस्ट में, वो एल्यूमिनियम होता है। सो थर्ड मोस्ट प्लेंटीफुल एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, लगभग 8% ऑफ वेट ऑफ अर्थ सॉलिड सरफेस होता है। तो कितना ज़्यादा क्वांटिटी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एल्यूमिनियम इज रिमार्केबल फॉर द मेटल्स लो डेंसिटी। लो डेंसिटी आपको दिख रहा है यहाँ पे 2700 kg पर मीटर क्यूब। और आपको पता होगा माइल्ड स्टील का, एक बार आप बता दीजिए कमेंट करके कितना होता है, माइल्ड स्टील की डेंसिटी कितनी होती है। तो कहाँ तो 7850 और कहाँ पे सिर्फ 2700, और प्रॉपर्टीज सारी अच्छी हैं इसकी। तो यही कहा जाता है कि ऑलमोस्ट स्टील का 1/3 होता है ये, और जो प्रॉपर्टीज होती हैं काफ़ी बेटर होती हैं इसकी। लाइट इन वेट होता है, तो इसलिए लाइट इन वेट होने के कारण हम एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। आजकल जो व्हीकल्स हैं, जो एडवांस्ड व्हीकल्स आ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल्स बोलते हैं जिनको, आपने अगर देखा होगा कभी कभी अगर आप कोई नोटबुक खरीदते हैं उस पर एक अलग सी कार दिखी होती है, जैसे जो नॉर्मली हमें देखने में नहीं आती। ठीक है, आपने नाम सुन रखे होंगे, मैसराटी सुन लिया, वॉल्वो सुन लिया, BMW, ऑडी, ये सब आपने सुन लिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी गाड़ियां होती हैं जो जिनकी अलग ही सी शेप होती है, ऐसी सुपर कार सी लगती है एकदम। तो वो गाड़ियां क्या होती है, वो नेक्स्ट जनरेशन कार्स होती हैं या फिर वो फ्यूचर कार्स होती हैं। कोई भी कंपनी जो होती है ना, वो क्या करती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर ले लेंगे BMW का एग्जांपल, तो BMW जो नॉर्मल आपको जो गाड़ियां दिखाई पड़ती हैं, जो वो गाड़ियां तो चल रही हैं एट प्रेजेंट, एज ऑफ नाउ चल रही हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, फ्यूचर के लिए कुछ ऐसी कार्स भी बनाती रहती हैं जो मान लो आने वाले टाइम में जो यूज़ होंगी, जैसे जो सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, तो ये भी चलो आज के टाइम पे कॉमन मान सकते हैं। फिर उनके अंदर कुछ ऐसे ऐसे वो कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं, इको फ्रेंडली कैसे होगी, पॉल्यूशन मिनिमम कैसे होगा, कंफर्ट मैक्सिमम कैसे होगा, स्मार्ट कार कैसे होगी, ड्राइवरलेस कार कैसी होगी। तो अपन जो ऐसे सुनते हैं ना कि आने वाले टाइम में गाड़ियां ड्राइवरलेस हो जाएंगी, सो दीज कार ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करती हैं ये, लेकिन उनके जो रिसर्च मॉडल्स होते हैं ये पब्लिक में ओपन नहीं होते हैं। आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करना तो वहाँ पे आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा इसके बारे में, और आपको उनके रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे, देख भी सकते हैं आप। तो उनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे वो कैसे ना कैसे पूरी को कॉम्पैक्ट मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा मटेरियल यूज़ करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे एक बेटर जो है मॉडल जो है वो निकल के आता है। तो उसके अंदर आजकल जो है वो एल्यूमिनियम है, उसका भी यूज़ होता है वहाँ पे। और आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉय आर वाइटल टू द एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। प्रोडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स 2 kg ऑफ एल्यूमिना। 2 kg ऑफ एल्यूमिना हमारा इसके लिए आवश्यकता होता है, और द प्रोडक्शन ऑफ 2 kg ऑफ एल्यूमिना रिक्वायर्स अबाउट 4 kg ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट इसकी ओर होती है बेसिकली, तो बॉक्साइट ए ओर से हमें एल्यूमिना मिलता है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम हमें मिलता है, तो 2 और 4 का यहाँ पे रेशो है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टील। स्टील के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, जो स्टील का डेंसिटी होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। स्टील जो है आपको पता है अलग अलग ग्रेड्स का हो सकता है, RCC के अंदर भी आपने अच्छे से बात की हुई है। जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट हो जाएगा उतना ही ज़्यादा ब्रिटल हो जाएगा, जितना कम कार्बन कंटेंट डक्टिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। स्टील जो आपका है आयरन कार्बन सिस्टम के अंदर होता है, कार्बन प्लस आयरन होता है इसके अंदर। स्टील इज़ रिसाइक्लेबल एंड हैंस इज़ अ ग्रीन मटेरियल। कार्बन जो है वो स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, डक्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है। बेसिक रॉ मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो आयरन और कोल और लाइमस्टोन होता है। ब्रॉडली वी इधर हैव प्लेन कार्बन, कार्बन इज़ द प्रिंसिपल अलॉइंग एलिमेंट, यानी कि सिर्फ कार्बन और आयरन को मिलाया तो प्लेन कार्बन हमारा बन गया, प्लेन कार्बन स्टील बन गया। और एलॉय, एलॉय हो सकता है जिसमें क्या क्या मिक्स कर सकते हैं, नियोबियम, वेनेडियम, टंगस्टन, क्रोमियम, ये सब भी हम इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ स्टील इज़ फाउंड टू बी फाउंड आउट बाय यील्ड स्ट्रेस। आप सभी ने माइल्ड स्टील कर्व तो आपने पढ़ा ही होगा, माइल्ड स्टील कर्व तो आपने पढ़ा ही होगा, उसके अंदर भी आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ था। माइल्ड स्टील कर्व की हमने बात की थी, यील्ड स्ट्रेस बात करते हैं, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, तो लोअर यील्ड पॉइंट जो हमारा होता है वो यील्ड स्ट्रेस होता है। तो यील्ड स्ट्रेस से हम बताते हैं क्वालिटी उसकी, Fe250 है, 415 है, कौन सा है। रस्ट फॉर्म्ड आउट फ्रॉम कोरोजन ऑफ स्टील बार हैज़ 2.5 times द वॉल्यूम ऑफ स्टील। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ठीक है, 2.5 times वॉल्यूम लगभग इसका हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में।
नेक्स्ट फिर आ जाती है कार्बन की प्रॉपर्टीज पे। कार्बन प्रॉपर्टीज अगर लो कार्बन किसको बोलेंगे, कार्बन परसेंटेज लेस देन 0.25 हो जाता है, मीडियम 0.25 से 0.6 के बीच में, हाई कार्बन 0.6 से लेके 1.4 के बीच में हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो लो कार्बन वाला जो है एक्सीलेंट डक्टिलिटी होगी, कार्बन कम तो डक्टिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे हार्ड हो जाएगा, कार्बन अगर ज़्यादा है हाई कार्बन है तो हार्ड हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा लेकिन डक्टिलिटी कम हो जाएगी। फिर बात करें कहाँ कहाँ यूज़ होता है, नट्स के अंदर, बोल्ट्स के अंदर, शीट्स के अंदर, लो कार्बन वाले का यूज़ होता है और हाई कार्बन का हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे स्ट्रेंथ हार्डनेस ज़्यादा चाहिए होगी लेकिन डक्टिलिटी कम चाहिए हो, तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। फिर बात करें माइल्ड स्टील अप्रॉक्सीमेटली कंटेन्स 0.05 से 0.25 कार्बन, मेकिंग इट मैलिएबल, मतलब इसकी शीट्स बना सकते हैं, शीटों की फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और डक्टाइल मतलब इसकी वायर्स भी बना सकते हैं, तो इनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्लास मेंस के लिए है या प्री के लिए, ये दोनों के लिए है। मेंस के अंदर भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, मेंस में सवाल कैसा आएगा, आपको सीधा ही पूछ लेगा कि स्टील की प्रॉपर्टीज़ बताओ, तो स्टील में ये सब कुछ बताना है आपको। अगर बात करें प्री के लिए तो प्री में आपसे ये पूछ लेगा माइल्ड स्टील के अंदर कार्बन कंटेंट इज़ अबाउट, तो अगर आपको याद है 0.05 से 0.25 के परसेंट के बीच में होता है तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर आ जाता है आपका स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की अगर बात करें, ऑल्सो नोन एज आइनॉक्स स्टील, क्या होता है, क्रोमियम एंड निकल विद अ मिनिमम ऑफ 10.5% ऑफ क्रोमियम कंटेंट बाय मास एंड मैक्सिमम ऑफ 1.2% कार्बन बाय मास। तो क्रोमियम और यहाँ पे निकल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। वेनेडियम स्टील जो होता है वो एक्सल्स और स्प्रिंग्स के अंदर यूज़ होता है, व्हीकल के जो एक्सल होते हैं उनके अंदर यूज़ होता है। रॉट आयरन जो है लोवेस्ट कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है, ये तो आप सभी को पता ही है। कास्ट आयरन है ग्रुप ऑफ आयरन कार्बन अलॉयज विद अ कार्बन कंटेंट ग्रेटर देन 2%, ठीक है, कार्बन कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा होता है। अब आ जाते हैं प्लास्टिक पे, फटाफट से इसको देख लेते हैं कि प्लास्टिक वाला पार्ट वैसे तो आपके नहीं दे रखा है एसएससी सिलेबस में। एसएससी का एक बार आप अगर सिलेबस उठा के देखेंगे और बिल्डिंग मटेरियल्स के एक बार आप टॉपिक्स देख लेना तो सारे टॉपिक आपको करवा दिए हैं, ये एक्स्ट्रा ही है, यहाँ से एक्स्ट्रा वाला टॉपिक है प्लास्टिक वाला। ज़्यादा चांसेस कम है कि ना आए, लेकिन फिर भी अगर कभी किसी एग्ज़ाम में आ जाए तो एक बार आप देख सकते हैं। प्लास्टिक आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट और कितना क्रूशियल और कितना डेंजरस पार्ट, डेंजरस रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि जितना भी पैकेजेस में यूज़ होता है, कोई भी आप मटेरियल लेते हैं आजकल, जितना भी आप खाते हैं चाहे वो बिस्किट से लेके कोई पैकेज्ड फूड हो, तो वो सब किस में पैक होता है, वो प्लास्टिक के अंदर पैक होता है। लेकिन यही प्लास्टिक क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि प्लास्टिक ऐसा थोड़ी है हम बार बार यूज़ कर लेते हैं। सेम प्लास्टिक कोई भी एक बार अगर यूज़ हो गया, अगर आपने चिप्स खाए ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ी है कि वो पैकेट जो है वो संभाल के रख देते हैं, उसके बाद तो उसको फेंक ही देते हैं, तो वो हमारे एनवायरनमेंट को धीरे धीरे क्या करता है, डिग्रेड करता है। तो जाने दो प्लास्टिक को, पढ़ लो एक बार देख लो, पढ़ लेंगे तो बेनिफिट होगा आई थिंक सो, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ना तो बता दीजिए आप, जैसा आप सब कहेंगे, अगर बताना है तो बता देते हैं, नहीं बताना है तो भी बता दीजिए। जल्दी से एक बार बता दीजिए दोस्त, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ जाती हैं। चाहे आप बात करें नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक में भी कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग क्या होता है, फिजिक्स की फॉर्म में कहीं पे आ गई ये वाली चीज़ें थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक, तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं यूज़ आ जाएगा। ठीक है, ये पढ़ लो, प्लास्टिक वाला पार्ट आप पढ़ लीजिए, मैंने बता दिया है एसएससी के सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर रैंडम कभी कहीं आ गया तो यूज़ आ जाएगा आपके। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक जो आपका है अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे, बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू हीटिंग, हीट के साथ कैसा बिहेवियर देगा, स्ट्रक्चर उसका कैसा है उसके हिसाब से, और हाँ जी फास्टली पढ़ा देते हैं ठीक है, फिजिकली एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू हीटिंग, हीट के साथ कैसे बिहेव करेगा, तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, यानी कि हीट के साथ कैसे बिहेव कर रहा है तो थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आपका रिजिड हो सकता है, सेमी रिजिड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, इलास्टोमर हो सकता है। जल्दी से आ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू हीटिंग, हीट के बेसिस पे वो कैसे बिहेव करेगा, तो पहला आता है थर्मोप्लास्टिक, दे सॉफ्टन बाय हीट एंड हार्डन व्हेन कूल डाउन, अगर गर्म करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे और अगर उसको ठंडा कर देंगे तो वो फिर से हार्ड हो जाएगा।
दे कैन बी रिमोल्डेड एज मैनी टाइम एज वी वॉन्ट, यानी कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसको आपने गर्म किया, एक शेप दे दी, फिर आपको पसंद नहीं आई कि नहीं कुछ और शेप देते हैं इसको, फिर उसको फिर गर्म किया और फिर कोई और शेप दे दो, तो जितनी बार आप चाहें उसकी शेप दे सकते हैं किसमें, थर्मोप्लास्टिक में, यानी कि वो प्लास्टिक की नेचर जो उसका है वो मेंटेन्ड रह रहा है यहाँ पे, ठीक है। ब्रिटल होते हैं और ग्लॉसी होते हैं। ब्रिटल का मतलब तो आपको बता दिया, डक्टाइल नेचर नहीं शो करेगा, एकदम से टूट जाएगा। ग्लॉसी का मतलब थोड़ा शाइन सा आता है ना, जैसे कल आपको मैंने बताया था कि जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो या कोई भी फोटो आप प्रिंट करवाते हैं वो ग्लॉसी पेपर पे करवाते हैं, नॉर्मल वाला जो पेपर होता है उस पे नहीं करवाते ना, तो ये ग्लॉसी थोड़ा सा शाइन मारते हैं। फिर एग्जांपल पीवीसी, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड क्लोराइड आपका है, पॉलीअमाइड, पॉलीस्टाइरीन, ये सब जो आपके हैं एग्जांपल हैं किसके, थर्मोप्लास्टिक के। तो पॉलीअमाइड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पॉलीअमाइड आपने कहाँ देखा होगा, जितने भी ये धागे होते हैं थोड़े शाइन वाले उनके अंदर आपने इसको देखा होगा। पॉलीस्टाइरीन या पीवीसी जो आपका है, पीवीसी पाइप्स आपने सुने ही होगा, पॉलिस्टर इसके फैब्रिक्स आते हैं, नायलॉन जो है आपने देखा होगा। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब सेट हो जाते हैं, क्या कि एक बार उनको हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है। दे रिक्वायर अ ग्रेट प्रेशर एंड मोमेंट्री हीट, 127 से लेके 177 डिग्री एक बार इनको हीट चाहिए, प्रेशर चाहिए, जिसके कारण क्या है उनको हम एक शेप दे पाएँ, और वो जो शेप एक बार आपने दे दी उसके बाद फिर से आप उसको गर्म करके दोबारा नई शेप नहीं दे पाएंगे, वो सेट हो जाएंगे। तो याद, ये इन चीज़ों में ना कन्फ्यूज़न होने लग जाती है, हमें याद नहीं रहता है कि कौन सा थर्मोप्लास्टिक था कौन सा थर्मोसेटिंग था। तो थर्मोसेटिंग से याद रख लो आप कि थर्मोसेट सेट हो गया, एक बार अगर थर्मो मतलब हीट किया अगर प्रेशर के साथ उसको, और फिर वो हो जाएगा सेट, उसके बाद उसको हम दोबारा से हीट करके फिर कोई और शेप नहीं दे पाएंगे। तो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, इस तरीके से आप ये दोनों आपको याद रह जाएंगे। कैन नॉट बी रीयूज्ड, दे कैन बी, दे आर ड्यूरेबल एंड स्ट्रांग एंड हार्ड। ऑब्वियस सी बात है कि बार बार अगर हीट करने पर भी वो फिर से अपनी शेप नहीं चेंज कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि वो ड्यूरेबल होंगे और स्ट्रांग होंगे। एग्जाम्पल क्या है, इपॉक्सीज, पॉलिस्टर्स, नायलॉन, सिलिकॉन्स एटसेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल है, थर्मो सेटिंग के। अब ये तो अपना जो क्लासिफिकेशन था किसके रिस्पेक्ट में था, हीटिंग के रिस्पेक्ट में। अब बात आ जाती है स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में, स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने बताया कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस कैसा होगा, होमोजीनियस की बात करते हैं यहां पे। होमोजीनियस के अंदर क्या होता है, कार्बन चेन होगी एंड कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन्स यहाँ पे मौजूद होंगी तो उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस के अंदर क्या होगा, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब भी यहाँ पे आ जाएंगे तो उनको बोल देते हैं हम हेट्रोजीनियस प्लास्टिक्स। नेक्स्ट आते हैं, तो आते हैं बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो रिजिड प्लास्टिक हो सकता है, सेमी रिजिड हो सकता है, सॉफ्ट प्लास्टिक हो सकता है, इलास्टोमर्स हो सकते हैं। तो एक बार आप इनको रीड आउट कर लेना जो जो प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट बात करें तो पीवीसी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है पीवीसी की फुल फॉर्म। आपने पीवीसी पाइप्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, बेंड्स के अंदर आपने इसको देखा हुआ है। और ये थर्ड मोस्ट वाइडली यूज्ड जो प्लास्टिक आता है, ठीक है, थर्ड मोस्ट वाइडली यूज्ड जो प्लास्टिक है वो पीवीसी है। अब बात करें तो फर्स्ट कौन सा है तो उसकी भी बात करेंगे। तो टेक्निकल हमें वैसे पता होता है कि यूजुअली कौन सा है, लेकिन हमें उसका टेक्निकल नेम नहीं पता होता है। तो पीवीसी होता है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड, और थर्ड मोस्ट वाइडली यूज्ड जो प्लास्टिक ये होता है। पीवीसी इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन बिकॉज इट इज़ मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल मटेरियल्स सच एज कॉपर, आयरन और वुड इन पाइप। यानी कि कॉपर, आयरन, वुड की जो पाइप आपने देखा होगा कि बहुत कम यूज़ होती हैं आजकल, जो भी यूज़ होती हैं पीवीसी पाइप्स यूज़ होती हैं। इन दिस फॉर्म इट इज़ यूज्ड इन क्लोथिंग, इलेक्ट्रिकल केबल इंसुलेशन, इनफ्लेटेबल प्रोडक्ट्स एंड मैनी एप्लीकेशंस इन विच इट रिप्लेसेस रबर। तो रबर की जगह भी इसको यूज़ करते हैं, मेटल्स की जगह, जैसे कि पाइप्स की बात करें तो उनकी जगह भी हम इनको यूज़ करते हैं। फिर आ जाते हैं PETE या फिर PET। क्या होता है ये, पॉलीथाइलिन टेरिपथैलेट PETE या फिर PET से डिनोट करते हैं हम। होता क्या है ये, PET इज मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस्ड प्लास्टिक इन द वर्ल्ड। इट इज़ यूज्ड प्रीडोमिनेंटली एज अ फाइबर नोन बाय द ट्रेड नेम पॉलिस्टर एंड फॉर बॉटलिंग एंड पैकेजिंग। तो बॉटलिंग के लिए फैब्रिक्स में जो यूज़ होता है वो कौन सा होता है, पॉलीथाइलिन टेरिपथैलेट। पॉलिस्टर नाम से हम इसको जनरली जानते हैं, ट्रेड नेम जो इसका है।
फिर आ जाता है पॉलीथाइलीन, पॉलीथीन जिसको हम बोल देते हैं पीई। दो टाइप का होता है, लो डेंसिटी का, हाई डेंसिटी का। लो डेंसिटी का जो लिफाफों में आपको देखने को मिलता है, हाई डेंसिटी का जो हार्ड होता है कंटेनर्स के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। LDPE इज लो डेंसिटी जो पॉलीथीन होता है, इज द प्लास्टिक यूज्ड फॉर प्लास्टिक बैग्स। HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीलीन जो आपका है वो कहाँ यूज़ होता है, ज़्यादा रोबस्ट यानी कि थोड़ा सॉलिड से वेज में जहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि आपके डस्टबिन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन से बने होते हैं। फिर आ जाता है आपका क्लोरीनेटेड PVC, क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड आ जाता है। क्लोरीनेटेड PVC थर्मोप्लास्टिक एक तरीके का ये है, थर्मोप्लास्टिक मतलब टेम्परेचर के साथ फिर से ये चेंज हो सकता है। क्लोरीनेशन कर देते हैं PVC का जिसके कारण और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है और हायर टेम्परेचर पे भी ये सेट हो जाता है। उसके बाद CPVC इज रेडीली वर्केबल इंक्लूडिंग मशीनिंग वेल्डिंग एंड फॉर्मिंग एट्सेट्रा। इसके अलावा जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एक बार आप देख लेना। फिर आ जाती हैं आपकी पॉलीप्रोपाइलिन फाइबर PPF। तो ये सब रेलवे के सिलेबस में तो था लेकिन ये SSC के सिलेबस में एज सच नहीं मैंशन है, तो इतना ज़्यादा तो इन डिटेल मत पढ़ना। लेकिन PPF क्या होता है फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, पॉलीप्रोपाइलिन फाइबर होता है। कुछ ये एडिशनल बिल्डिंग मटेरियल्स जो होते हैं ना कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे, तो इनको एक बार आप ज़रूर देख लेना। इसके अलावा कोई और बात है तो बताइए। हिंदी में थ्योरी दीजिए, हिंदी में चलिए ठीक है। एग्रीगेट्स, अच्छा ठीक है एग्रीगेट्स, हाँ एग्रीगेट्स बच रहा है आपका वैसे तो टॉपिक, मंडे को देख लेंगे फिर, या तो एग्रीगेट्स करवा देंगे और अगर आप एग्रीगेट्स खुद से पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट सब्जेक्ट करवाना है तो वो आप बता देना। तो जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपको पढ़ना है या फिर मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता ही दूंगा कि कौन सा होगा, आप एक बार ज़रूर बता देना, योर ओपिनियन ऑल्सो मैटर्स। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आप कमेंट में बता देना, अगर आप एग्रीगेट्स खुद से पढ़ लेंगे तो आप बताना, नहीं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी हो वो आप कमेंट कर देना, मंडे से अपन शुरू कर लेंगे। क्वेश्चन भी करवाने हैं तो क्वेश्चंस के लिए आप बता देना। क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ना कि मेंस के लिए मैं साथ साथ जो जो टॉपिक्स है ना आपको सब कुछ पढ़ना है, जितना भी इन क्लासेस में आपको बताया ना सब कुछ पढ़ना है, इन्हीं से मिलजुल के क्वेश्चंस बनेंगे। कोई बोल रहा है सॉइल, कोई हाईवे। नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऑप्शंस देखो, अगर आप देखिए, अगर आप वैसे देख रहे हैं नॉर्मली RCC सॉइल हाईवे ट्रांसपोर्ट, कल मैराथन करवाइए, कल नहीं हो पाएगी, अभी एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्लासेस चल रही हैं तो स्टूडियोज पैक्ड रहते हैं। बैंक के एनालिसिस भी रहते हैं यहाँ पे। आप सब्जेक्ट जो भी हो आप बता देना, ठीक है उसमें से अपन शुरू कर सकते हैं, जैसे कि सॉइल, RCC और कौन से सब्जेक्ट हो गए, स्टील है, जैसे भी मेंस के हिसाब से जो मेंस के वेटेज कैरी करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन लेके चल लेंगे, और बाकी आप बता देना जो भी आपको सही लगे। RCC करवा सकते हैं लेकिन RCC बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा RCC टाइम लेगा। देखो प्लस के ऊपर भी RCC की अभी दो दो घंटे पढ़ते हैं तब जाके थोड़ा ऐसा है कि वो पूरा पूरा हो पाता है, एक एक क्वेश्चन आधा आधा घंटा तो मिनिमम है, आधा घंटा मतलब छोटा क्वेश्चन था तो टाइम ले जाता है वो करने में, समझा के करने में, ऐसे खुद से करने में तो चलो फटाफट हो ही जाएगा। ठीक है तो चलिए, आप जो भी हो आप प्लीज़ कमेंट करना, बाद में कमेंट करना, अभी चैट में तो एकदम डिसाइड कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कितने दोस्त क्या बोल रहे हैं, आप बता देना। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी की मेहनत रंग लाई, और जिनका नहीं हुआ निराश होने की ज़रूरत नहीं है, देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आगे आने वाली है। एक एग्ज़ाम आपका भविष्य डिसाइड नहीं करेगा, डिसाइड करेगा वो आपका एटीट्यूड।
तो अब जिनका सिलेक्शन हुआ क्या वो ऐसे ही था? नहीं, उन्होंने भी मेहनत की, उन्हें सफलता की पहली सीढ़ी मिली है बस, ठीक है। तो आपको भी मिल जाएगा, आपको भी बहुत अच्छा हो सकता है इससे मिल जाए, बस आप कंटिन्यू रहें, जो भी अपने आप को रिजिड ना बनाएं, ठीक है। अपने आप को अगर आप रिजिड बनाएंगे कि नहीं भाई मेरा तो सिलेक्शन होना चाहिए था, मैंने तो इतने टाइम तैयारी की, तो ऐसे इस तरीके से नहीं चलती है ज़िंदगी। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी हमारा दिन होता है, कभी हमारा दिन नहीं होता है, कभी हमारे अच्छे दिन भी आते हैं, कभी हमारे बुरे दिन भी आते हैं, लेकिन मैटर जो करता है कि हम हर टाइम में हम अपने आप को कैसे संभाल के लेके चल रहे हैं, और जो हमारी लॉन्ग टर्म जो थिंकिंग है, लॉन्ग टर्म हमारी सोच है, लॉन्ग टर्म जो हमारा गोल है वो क्या है। आपको पहले भी जैसे अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, बहुत सारी जैसे इंस्पिरेशनल बुक्स होती हैं, एक सबसे कॉमन एग्जांपल जो हर कोई देता है, यूट्यूब पे भी आपने बहुत नाम सुने होंगे, रिच डैड पुअर डैड, इस तरीके से जो बुक्स हैं, तो सब में एक ही चीज़ बताई जाती है कि आप सबसे पहले तो अपने जो गोल्स हैं वो सेट करें कि आपकी ज़िंदगी के गोल हैं क्या। अभी तो हम भीड़ के साथ चल रहे हैं, अभी तो हम भीड़ के साथ सोच रहे हैं, हर कोई बोल रहा है सरकारी नौकरी की तैयारी करो, तो हर कोई दौड़ रहा है उस भीड़ के अंदर, लेकिन आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है लॉन्ग टर्म में? पैसा जो होता है ना वो एक लिमिटेड टाइम तक मैटर करता है। पैसा जो है ना तब मैटर करता है जब आपके ऊपर कर्ज है, आपको पे करना है, ठीक है, लोन है आपके ऊपर, तो पैसा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत क्रूशियल हो जाता है कि आपको कैसे भी पैसा चाहिए आपको। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा एक टाइम आ जाता है, या बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है जितने टाइम तक, उतना टाइम तो ठीक है, लेकिन जब वो रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है ना, फॉर एग्जांपल किसी के सर पे लोन है, तो वो क्या सोचता है कि यार मैं अपनी बाद की ज़िंदगी तो ना मैं ठीक ठाक पैसे आए उनसे भी गुजार लूँगा, एक बार यही लोन जो है वो कंप्लीट हो जाए, वो हट जाए वहाँ से, क्लियर हो जाए, तो उसके लिए वो मेहनत करता है, और जब वो क्लियर हो जाता है तब उसको वाकई में ऐसा लगता है कि यार अब मैं जो ज़िंदगी में मुझे चाहिए मैं वो करता हूँ, पैसा ठीक है, अब पैसा इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा मेरे लिए। तो जब आप अपने मन के काम करने लग जाएंगे ना, तब पैसे अपने आप ही आ जाते हैं, फिर अपने आप जो भी काम आप करेंगे उसी से आपको पैसा भी मिलने लग जाएगा। तो सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप चाहे रो रो के किसी भी टाइम को निकाल लीजिए, या फिर पॉजिटिविटी देख देख के किसी टाइम को निकाल लीजिए, आप अपना टाइम जो है ना वो, आप सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करने से मत घबराइए, कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करने से मत घबराइए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो स्टार्ट टुडे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी तो मेरी डिग्री कंप्लीट होगी, अभी तो उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस होगा, पता नहीं कहाँ से मेरे पास और एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाएगा, उसके बाद मैं ये पर्टिकुलर काम शुरू करूँगा, सिर्फ बिजनेस का नहीं, कोई भी पढ़ाई चाहे आप कर रहे हैं, चाहे आप कोई एग्ज़ाम है, फॉर एग्जाम्पल आपको IAS की तैयारी करनी है, आपको UPSC में जाना है, आप यही सोचते हैं कि यार अभी तो मेरी डिग्री नहीं हुई, पहले मैं मेरी डिग्री कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करूं या नहीं करूं, मैं क्लियर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, तो ये सब छोड़ दो। या तो आप अपना गोल ही मत सेट करो, अगर आपने गोल सेट कर लिया है तो आप बस लग जाओ उसकी तैयारी में। इसी तरीके से कोई भी काम आप करना चाहते हैं, आप अपना कोई स्टार्टअप चाहते हैं, कुछ भी आप चाहते हैं, तो सब के लिए यू विल ऑलवेज बी एट ज़ीरो लेवल, यू विल ऑलवेज बी एट जीरो लेवल, देर इज़ नो टाइम टू बी परफेक्ट। अगर आप ये वेट करते रहेंगे कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा और उसके बाद मैं कोई काम शुरू करूंगा, तो कभी नहीं होगा। परफेक्ट कब होगे? जब वो काम करना शुरू करोगे। परफेक्ट तभी तो होगे ना जब वो काम करना शुरू करोगे। अगर आप बोलो कि आपको ड्राइविंग के अंदर एकदम परफेक्ट होना है, लेकिन आप दूसरे एंड पे ये भी बोल दो कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा ना तब मैं कार ड्राइव करूंगा, तब मैं कार ड्राइव करना सीखूंगा, तो कैसे सीख पाओगे? कहीं ना कहीं से शुरू तो करना होता ही है। तो नेवर बी परफेक्ट, ऑलवेज बी रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, ऑलवेज बी रेडी फॉर द चेंज। जिंदगी में कुछ भी आ जाए, आपको आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि एक टाइम तक अगर आपको एकदम से सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड ही छोड़ के कुछ और करना पड़ जाए तो भी आप उसको करने के लिए तैयार रहें, अपने आप को अवेलेबल बनाएं। अगर आपने कोई गोल सेट किया है कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, तो फिर उन पे फोकस रखें। मैं ये नहीं बोल रहा कि तैयारी करना छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आपका गोल है वो आप पूरा सेट करके रखें, फिर उसके ऊपर आप वर्क करें, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मन से मेहनत करते जाएंगे उसके लिए। और अगर आप भीड़ के साथ भागेंगे तो आपके दिमाग में यही चीज़ चलेगी, 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है। तो ये वाला जो होता है, जब आप इस तरीके से आप बोलते हैं, जब आप लोगों को देख के आप अपना क्राइटेरिया सेट करते हैं कि बाकी सब अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं भी 6 घंटे पढ़ूंगा, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। जब तक आपकी इनर वॉइस नहीं आएगी, आपके अंदर से मन जो है वो नहीं करेगा। तो कोई भी काम आप करें अपने मन से जब करेंगे, तब आपको उसके लिए जो कर रहे, जो मेहनत करोगे ना, वो मेहनत नहीं लगेगी, वो नेचुरल लगेगा, आप अपने आप वो चीज़ें करोगे, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना बहुत है। और मंडे के लिए जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी टॉपिक हो, आप प्लीज़ कमेंट करना वीडियो के बाद। और अभी तक आपने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अनअकैडमी प्लस के ऊपर जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो कोर्स चल रहा है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट कम्प्लीट होने के बाद फिर वो अवेलेबल नहीं रहेगा। तो अगर अब बाद में आप चाहेंगे कि ये सब्जेक्ट आप पढ़ पाएँ वहाँ पर, तो एक बार ये कम्प्लीट अगर हो गया तो उसके बाद आपको वहाँ पर ये नहीं मिलेगा। तो आप अकेडमी प्लस पे जाके एनरोल कर सकते हैं उसके लिए, सिविल के लिए या कोई भी कोर्स। आपको अगर एसएससी का अभी गेट का भी शुरू होगा तो सेम कोड आपको यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, आप सारे कोड्स जो सारे कोर्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं संदीप 111 से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मेरा नाम है संदीप और स्टूडियो में मौजूद थे हमारे साथ अभिषेक सर।